ये कौन सा क्लास है सर? कोई भी क्लास है, गेट के बाहर। कहाँ गेट के बाहर? गेट के बाहर आपको जो भी बात करना गेट के बाहर। आप बाहर आइए। आपके बच्चे बाहर क्यों खेल रहे थे? हमको बताइए। हाँ। किस चैनल से आप आए हुए? हम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लीजिए। ये पुजारी चैनल में नहीं समझते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और आप कुछ करिएगा उसका वैल्यू नहीं से बतिया रही है। देखिए ये इनकी काली सच्चाई है, ये इनके बच्चे बाहर गोली पैसा खेलेंगे तो कोई बात नहीं। और हम सवाल पूछने आएंगे, पुजारी मीडिया नेटवर्क जो बिहार के टॉप 10 चैनल में आता है, इसका कोई वैल्यू मैडम के सामने नहीं है। और ये मैडम पढ़ाती नहीं है, ये पढ़ाती नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? क्यों नहीं, हम लोग का बच्चा के एडमिशन यहाँ पढ़ता है। आपका बच्चा तो मिलवाइए, कौन है आपका बच्चा, थोड़ा मिले हम उनसे। आपका बच्चा कौन यहाँ पढ़ता है उसको मिलवाइए हमको, हम उनसे बात करेंगे। क्यों मिलवाए आपको बताइए। ये सच्चाई है, सरकारी विद्यालय के जो मास्टर है उनका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा जब सरकारी में लगता है लोग पैसा खिलवाएंगे, गोली खिलवाएंगे। अच्छा, इसी गाँव के हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता है ठीक से? आधा लड़का स्कूल में, आधा लड़का फील्ड में, ऐसा पढ़ाई होता है? ऐसा ही पढ़ाता है लोग। हाँ। ये लोग बैठ के एक जगह सब लोग मोबाइल रखता है। मैडम जी थोड़ा समय दीजिए, एक मिनट, मात्र एक मिनट, हम आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। बाइक खराब हो गया था। अच्छा। रास्ते में फंस गए थे, फोन किए थे, क्या करें? एक मिनट मैडम जी, एक मिनट समय दीजिए, एक मिनट मात्र। अच्छा, विद्यालय में आने का समय शिक्षकों को कितने बजे है? 9:30 बजे। आप कितना बजे आई हैं? तो गाड़ी खराब हो गया था। आपका भी गाड़ी खराब हो गया था? हाँ, अभी तो गाड़ी बनवा के ही आ रहा है, कौड़िहार में छूट के। आपका भी खराब हो गया? एक और मैडम जी लेट से, उनका भी गाड़ी खराब हो गया। चलिए नीतीश कुमार जी, कहूँ को नया नया गाड़ी खरीद के शिक्षकों को दे दीजिए, ताकि लोग का गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हो, और ये लोग बच्चा को बनिया से पढ़ा लीजिए। समय आपको मैं बता दूँ, 10:15 है। सामने दिखाओ, सामने देखिए, तमाम जितने सारे बच्चे हैं ये सभी लोग जो है विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। देखिए ये बच्चे गोली गोली और पैसा पैसा खेलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जाओ दौड़ के, जाओ दौड़ के, जाओ, देखो उसको, ये बच्चा, ये विद्यालय है, थोड़ा आ जाओ, इधर आ जाओ। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बच्चे गोली गोली और पैसे पैसे खेलते हैं। थोड़ा सा ये जान लेते हैं, ये कौन सा क्लास है सर? कोई भी क्लास है, गेट के बाहर। कहाँ गेट के बाहर? गेट के बाहर आपको जो भी बात करना गेट के बाहर। आप बाहर आइए। आप हेडमास्टर हैं? नहीं, हेडमास्टर ने क्या क्या आपको जानकारी लेना? आपको जानकारी लेना है कि जब पढ़ाई कितना बजे से होता है? 10 बजे से होता है। 10 बजे क्लास लगता है तो प्रार्थना तो होने के बाद कितना हो रहा है? कितना हुआ अभी समय? कितना हो रहा है? कितना? 10 बजे। आपके बच्चे बाहर क्यों खेल रहे थे? बच्चे बाहर, मेरे बच्चे जो क्लास में बाहर कम जमवा दिए हुए क्या? अच्छा, बाहर आपका बच्चा जाएगा, उसका जिम्मेदारी नहीं है? हमको बताइए किस चैनल से आप आए हुए? हम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लीजिए। ये पुजारी चैनल में नहीं समझते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, आप कुछ करिएगा उसका वैल्यू नहीं से बतिया रही है। क्या नहीं बतिया रही है? क्या नहीं बात करेंगे? आपको कुछ बोल नहीं पर, नहीं नहीं, विदाउट परमिशन। इसका परमिशन लगाइए, डीओ का फोन परमिशन लगाइए। आप डीओ का फोन आप लगाइए ना, आपके पास। आप देखिए ये इनकी काली सच्चाई है। क्या काली सच्चाई? ये इनके बच्चे बाहर गोली पैसा खेलेंगे तो कोई बात नहीं। और हम सवाल पूछने आएंगे, पुजारी मीडिया नेटवर्क जो बिहार के टॉप 10 चैनल में आता है, इसका कोई वैल्यू मैडम के सामने नहीं है। और ये मैडम पढ़ाती नहीं है, ये पढ़ाती नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे कैसे बात कर रही है? हम तो आपको कुछ नहीं बोले। नहीं, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हटाइए, नहीं मीडिया कर्मी को हम लोग को नहीं लागू। कौन बोला है? अब चलिए बैठिए, कौन बोला है? बात कीजिए। आपको कौन बोला है कि मीडिया में आएगा? ऊपर से पूरा यहाँ पे मीडिया एक बार नहीं, पुजारी मीडिया 100 बार यहाँ पे आएगा। आप मना नहीं कर सकती है? आप कोई मीडिया हाउस का मालिक नहीं है? हम मीडिया हाउस विद्यालय की शिक्षिका, हेडमास्टर साहब कौन? आप हेडमास्टर हैं? नहीं, हेडमास्टर विशेष अवकाश में गई है। हम लोग प्रभार में बात करने का तमीज है? बात करने का तमीज नहीं है। आप सरेआम सुनिए, आप सरेआम किससे परमिशन लेंगे? क्यों नहीं, आप परमिशन लेंगे? आपसे परमिशन लेने जाएंगे? आप हमको पत्रकारिता सिखाइएगा? आपका काम पढ़ाना है, पढ़ाइए। बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपके पैसे बाहर गोली खेलते हैं, पैसा खेलता है तो जिम्मेदारी आपका नहीं है? सुनिए, बाहर पैसा खेलता हम बहुत, आपके गली में, आपके गली में विद्यालय के प्रांगण में वीडियो है, खेलता है। कहाँ खेल रहा? अभी वीडियो दिखाए आपको, अभी वीडियो दिखाए आपको, देखिए ये सच्चाई है इनके। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या नहीं, हम लोग का बच्चा के एडमिशन यहाँ पढ़ता है। आपका बच्चा तो मिलवाइए, कौन है आपका बच्चा, थोड़ा मिले हम उनसे। आपका बच्चा कौन यहाँ पढ़ता है उसको मिलवाइए हमको, हम उनसे बात करेंगे। क्यों मिलवाए आपको बताइए। ये सच्चाई है, सरकारी विद्यालय के जो मास्टर है उनका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा जब सरकारी में लगते लोग पैसा खिलवाएंगे, गोली खिलवाएंगे। 10:30 बज गए, देखिए अभी वीडियो में दिख रहा होगा, 10:30 बजे इनके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं। लेकिन जब हम सवाल पूछेंगे, ये मैडम जी को परमिशन चाहिए, कैसा परमिशन दिखाया आपको? मतलब क्यों? आपके डीओ साहब ने, आपके डीओ साहब ने ये बताया है। हम आपको लेटर दिखाए, आप सुनिए, आप मेरा मालिक है जो आपको लेटर दिखाएंगे, आपको लेटर, आप डीओ, आप डीओ साहब को कंप्लेन करिए, आप कंप्लेन करिए। यहाँ पे पुजारी मीडिया आया हुआ, अगर डीओ साहब बोलेंगे उनको भागाइए तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन अगर कहेंगे कार्रवाई तो आप तो बोलेंगे बाहर भागिए, बाहर भागिए। नहीं, नहीं, हम बोलेंगे। देखिए मैडम, सबसे पहले आप शिक्षक है, सुनिए, यहाँ पे दिखाओ तो, क्लास में दिखाओ थोड़ा,
यहाँ पे इतने सारे बच्चे इनके भविष्य के जिम्मेवारी मैडम जी के कंधे पे। मैडम जी किस तरह से गुंडाई पत्रकार से बतियाती है, इनके द्वारा पढ़ाएगा बच्चा गुंडा बनेगा आकि भला आदमी बनेगा, आप विचार बताइए। और डीओ साहब आपके पास मैं वीडियो स्पेशली भेज रहा हूँ, डीओ साहब आप वीडियो को देखिएगा और मैडम जी कितना शालीनता से पेश आई है, जो सबसे बड़ा सवाल। बाकी ये सर लोग को दिक्कत नहीं है, देखिए ये लोग पढ़ा रहे, इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बच्चा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, बैठ जाओ। इन सभी बच्चों को, अच्छा इन सभी बच्चों को हमारे पत्रकारिता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम जी को बड़ा दिक्कत है। इसके पे सवाल तो बनता है, मैडम जी को आखिर दिक्कत कैसे हो गया, ये कैसे पत्रकार के माइक को बंद करने लगी, इसमें क्या दिक्कत आपको बताएं? दिक्कत हम मेरे क्लास में जो बच्चा है सबको दिक्कत, दिक्कत हम करना नहीं आता, दिक्कत आप लोग पैदा करते हैं। हम तो पूछ रहे थे क्लास कै बजे लगता, आप बोले लगे बंद करिए, इसका वैल्यू नहीं है। रिकॉर्डिंग किए हैं, इतना हमने नहीं है। आप पूछा माइक पे हाथ मारा है कि नहीं मारा, ये बताइए, मारा है ना? क्या बताइएगा मैडम जी, सुनिए ना मैडम जी, आपके आप ही के जैसे विद्यालय से पढ़ के हम लोग भी पत्रकार बने, कोनो इंग्लैंड से पढ़ के नहीं है, लेकिन जो बात करना, सुनिए आपका जो बात करने का लहजा और तरीका है ना, ये बिल्कुल शालीनता नहीं है। आपने शिक्षा का कोई गुण नहीं है, पता नहीं आप शिक्षा कैसे बन गई है, सबसे बड़ा सवाल है। चाचा इसी गाँव के हैं? अच्छा, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता है ठीक से? आधा लड़का स्कूल में, आधा लड़का फील्ड में, ऐसा पढ़ाई होता है? ऐसा ही पढ़ाता है लोग। हाँ। लोग बैठ के एक जगह सब लोग मोबाइल देखता है। हाँ, ये लोग बैठ के मोबाइल देखता है। हाँ। आधा लड़का स्कूल में, आधा लड़का बाहर। हाँ, मैडम जी हमसे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा चाचा, यहाँ क्या लगता है कि इस विद्यालय में पढ़ा के बच्चा सबको डीएम कलेक्टर बना दीजिएगा? यहाँ का बाजा साहब ओकरा से बीओ उखाड़े लूरना है, ये गिन के उखाड़े। लोग इतना जबरदस्त पढ़ाता है, इतना जबरदस्त पढ़ाता है लोग, ऐसा चाहिए है। हम तो सवाल पूछने आया था कि बच्चा बाहर का घूम रहा है। अच्छा चाचा, पूरा पूरा दिन का यही हाल रहता है? यही हाल। अच्छा, मास्टर लोग समय समय से आता है कि नहीं आता है? देखिए ना, चार आदमी आई बोलो, अभी 8 आदमी बाकी बोलो। क्या बोल रहे हैं भैया? एक आदमी उधर आया। अच्छा, एक आदमी दिखाइए। ये है विद्यालय का व्यवस्था, और नीतीश कुमार जी जरा यखिया खोल के इस व्यवस्था को देखिएगा। यहाँ मास्टर गुनाह करे, गलती करे तो कोई परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर पत्रकार सवाल पूछने आए उसके लिए परमिशन चाहिए। और मैडम जी थोड़ा ये थोड़ा रुक जाइए मैडम, एक मिनट समय दे दीजिए आप हमको। और ये हम लोग विद्यालय में, एक बार विद्यालय का नाम दिखाओ बाबू। उच्च माध्यमिक विद्यालय धनगढ़वा कौड़िहार प्रखंड रक्सौल पूर्वी चंपारण में आता है। मैडम जी थोड़ा समय दीजिए, एक मिनट, मात्र एक मिनट, हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे जी। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। बाइक खराब हो गया था। अच्छा। रास्ते में फंस गए थे, फोन किए थे, क्या कर रहे हैं? अच्छा, बाइक खराब हो गया। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, बाइक खराब हो जाता है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, यहाँ पढ़ाने का जो बच्चा सबका जो समय है, कितना बजे क्लास लगता है? 9:30 तक लग जाता है। 9:30 तक लग जाता है। 9:30 समय देखिए अभी क्या करे, बाइक खराब। अच्छा चाचा, चाचा राहुल बच्चा यहाँ पढ़े ला जी? कौन क्लास में पढ़े ला? तीसरा क्लास में। यहाँ पढ़ाई ठीक से होला? ठीक सर, रही तो लेके खेलबे करती। हाँ ठीक सर, रही तो खेलबे करती है। थोड़ा यहाँ आ जाइए, एक मिनट मैडम जी, एक मिनट समय दीजिए, एक मिनट मात्र। क्या नाम है आपका? रंजीत देवी। अच्छा, इसमें पढ़ाती हैं आप जी? अच्छा, विद्यालय में आने का समय शिक्षकों को कितने बजे हैं? है तो 10 बजे से क्लास चलता। आप कितना बजे आ रहे हैं? क्लास नहीं चलता, आप लोग आने का समय कितना बजे है? 9:30 बजे। आप कितना बजे आई हैं? तो गाड़ी खराब हो गया था। आपका भी गाड़ी खराब हो गया था? हाँ, अभी तो गाड़ी बनवा के ही आ रहा है, कौड़िहार में छूट के। आपका भी खराब हो गया? एक और मैडम जी लेट से, उनका भी गाड़ी खराब हो गया। तो मेरा तो खराब हुआ था, चल के पूछ लीजिए। हाँ, आपका भी खराब हो गया था। चलिए नीतीश कुमार जी कहूँ को नया नया गाड़ी खरीद के शिक्षकों को दे दीजिए, ताकि लोग का गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हो और ये लोग बच्चा को बनिया से पढ़ाए। बाकी यहाँ का माहौल क्या हो गया आप तो देख सकते हैं, तमाम इस गाँव का बच्चा तू नहीं पढ़ता उड़ता नहीं है रे। इधर आओ, सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये इधर आओ तुम लोग। ये सब गांव का बंडोलवा सब है जो हमेशा घूमते बहुआते रहता है। ये सब का काम जुआ हुआ ताश वाश खेलना है, गजा उजा पीना है। नीतीश कुमार जी ऐसे बिहार का व्यवस्था रहेगा तो कैसे बिहार बदलेगा, और कैसे बिहार के जो बच्चे हैं डीएम एसडीएम बनेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा बात है। बाकी इस विद्यालय की व्यवस्था देख लीजिए, बाकी सब चीज तो चकाचक है, लेकिन शिक्षक भी है लेकिन पढ़ाते समय से नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इस पर सुधार होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देख आपका विचार क्या कहता है, क्या ऐसे बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस संबंध में अपना विचार कमेंट बॉक्स जरूर डाल। बाकी आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।